नमस्कार, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी के महासंग्राम स्पेशल एपिसोड में। फिर से हम लोग देखेंगे टॉप 20 प्रश्न इकोनॉमिक्स से। तो चलिए बिना देर के चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पूरे एपिसोड में आपको बता दिया गया है कि 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और हम लोग 40 तक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग 41 से 60 तक देखने वाले हैं और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और अभी तक आप हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैंने नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, जिसके माध्यम से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से नाफेड किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, कितनी बार आ चुका है एग्जामों में, तो ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कृषि विपणन से नाफेड का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है? इसका आपका सही जवाब बताना है। आपको समय काफ़ी दिया जाता है ताकि आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आप सही टिक करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता। ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी, आपको बताना है किसके द्वारा? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी IRDA। IRDA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, यानी कि भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। समय काफी दिया जाता है आपको ताकि आप सारे प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद आप टिक करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को। अभी तक आप हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शाम 7 बजे प्रतिदिन आना ना भूलें महासंग्राम स्पेशल एपिसोड में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, PC महलनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किए थे PC महलनोबिस ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इनमें से किसने साधारण संतुलन सिद्धांत दिया? आपको बताना है इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साधारण संतुलन सिद्धांत को दिया है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर आप बताएं हमें। काफ़ी समय दिया जाता है ताकि आप अच्छे से सारे ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद आप सही ठीक करें। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप टॉप 20 प्रश्न में कितना सही किए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, मुंबई अतटीय बेसिन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में राष्ट्रीय आय के सही गणना में आने वाली एक कठिनाई मानी जाती है? इसका सही जवाब आपको बताना है। 49 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप ऑप्शन को पढ़ चुके होंगे। इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 50 नंबर प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही जवाब देना है आपको। ध्यान रखें, देख रहे हैं आप सारे जो प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न को आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और सारे प्रश्न को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आप अगर बैंकिंग SSC UPSC BPSC का अगर तैयारी करने वाले आप छात्र होंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों का स्वामित्व इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर आपको बताना है। 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी था।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, इसका सही उत्तर आप अगर जानते हैं तो सही टिक करें, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसका सही उत्तर आप अगर जानते हैं तो आप बता सकते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें, मैं इसका सही उत्तर अभी आपको बताने वाला हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निर्धनता का दुष्कचक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर आपको बताना है। ये भी जो क्वेश्चन है आप रिपीट प्रश्न है, देख रहे हैं कि हर एक वीडियो में एक आध प्रश्न रिपीट प्रश्न आ रहा है, तो जो आपको फायदा करेगा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया गया था, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर आप पिछला वीडियो देख लें, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है पिछले वीडियो का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है, बताना है कौन प्रसिद्ध है यूरेनियम की खानों के लिए। इसका सही जवाब अगर जानते हैं तो आप बताएं हमें, अन्यथा आप ध्यान से देखें वीडियो को, इसका मैं सही उत्तर आपको बताने वाला हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है, इसका सही उत्तर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर आपको बताना है, अगर आपको मालूम है तो बताएं, अन्यथा मैं इसका सही उत्तर आपको बताऊंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, अगर आपको मालूम है तो बताएं, अन्यथा आप आंसर का प्रतीक्षा करें, वेट करें, इसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। जो मित्र पहली बार हमारे चैनल पे हो वो भी वीडियो को लाइक कर दे, एक लाइक तो आपका बनता ही है, साथ में आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है, आपको बताना है बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। आपके सामने ऑप्शन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर आप बताएं हमें, अगर आपको मालूम हो तो, अन्यथा मैं इसका सही उत्तर आपको बताने वाला हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राज्य सरकार, बिक्री कर राज्य सरकार है। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बना चुका हूं, हमारे चैनल पे इसका ट्रिक में भी मिल जाएगा आपको, कर से संबंधित ट्रिक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से राजा चलाया समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपको बताना है निम्नलिखित में से राजा चलया समिति का संबंध है किससे है, आपको बताना है। प्रश्न ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, चलया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको बताना है, प्रश्न का पैटर्न एक ही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर सुधारों से, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जानते हैं वीवीआई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, आपका इसका सही उत्तर बताना है, अगर आपको मालूम है, अभी तक आप हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और शाम 7 बजे प्रतिदिन अभी चल रहा है महासंग्राम स्पेशल एपिसोड, यह जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र चल रहा है, यह देखना ना भूलें। आप देख रहे हैं सारे प्रश्न बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप देखना न भूलें, शाम 7 बजे हमारे नेशनल एकेडमी चैनल पे आप जरूर हो। इसका सही उत्तर आपको बताना है, अगर आपको मालूम हो तो, अन्यथा हम इसका सही उत्तर आप बताने वाला हूँ। चलिए मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो
देखा आपने यह टॉप 20 प्रश्न कितना ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, आनंद रहें, धन्यवाद।